दिल्ली की जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान को रोक दिया था। मामले में दायर याचिका में कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे रोकने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि वहां जहां भी दंगा हो रहा है, वहां सरकार की तरफ से एक तरफा कार्रवाई हो रही है और एक खास समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। यूक्रेन की जंग में जर्मनी बुरी तरह से फंस गया है, ना तो वो रूस के साथ खड़ा हो पा रहा है और ना ही रूस के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने की हिम्मत कर पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जर्मनी को यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही पुतिन का सहयोगी मानने लगे। ऊपर से जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स का उनके ही देश में विरोध होने लगा है। सबसे ज्यादा तो ओलाफ अपने ताजा बयान की वजह से घिर गए। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूक्रेन बड़े पैमाने पर कैंपेन चला रहा है। कैंपेन का मकसद यूरोप समेत पूरी दुनिया पर दबाव बनाना है। दबाव इसलिए ताकि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खास तौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं, अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नेटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नेटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठने लगे कि क्या इस जंग के बीच जर्मनी केवल रूस से अपनी दोस्ती निभा रहा है। असल में इसकी जड़ में जर्मनी और रूस के बीच की तेल और गैस की डील भी है। जंग की शुरुआत से ही जर्मनी ने रूस को लेकर के कठोर रुख नहीं दिखाया। इसके पीछे की वजह है गैस। रूस से मिलने वाली गैस को जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जर्मनी के अंदर कुछ लोग विरोध करें या फिर पश्चिमी देश, जर्मनी अब तक रूस को लेकर कठोर रुख नहीं दिखा सका। जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले भी जर्मनी के चांसलर ने पहले कीव और फिर मॉस्को का दौरा किया था। दोनों देशों के नेताओं को समझा बुझाकर जंग से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन जंग को टाला नहीं जा सका। दूसरी तरफ जर्मनी के कारोबारी रिश्तों में जंग के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक जरूर लगी, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो बनकर तैयार है। जब भी हालात बेहतर होंगे जर्मनी उस पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस मंगवा सकेगा, लेकिन अभी तक जितना कारोबार रूस और जर्मनी के बीच हो रहा था उसमें प्रतिबंधों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रूस से आने वाली कुछ चीजों पर जर्मनी ने बैन भी लगाया, लेकिन तेल और गैस की ऊंची कीमतों ने इम्पोर्ट का बिल कम नहीं होने दिया। दावा है कि जर्मनी मोटे तौर पर 3 देशों से नेचुरल गैस मंगवाता है, इनमें रूस के अलावा नॉर्वे और हॉलैंड शामिल है, लेकिन 55% नेचुरल गैस की सप्लाई अकेले रूस से होती है, 31% नॉर्वे से और महज 13% हॉलैंड से। नॉर्वे और हॉलैंड के पास इतनी गैस नहीं है कि ये दोनों देश रूस की भरपाई कर पाए। हालांकि जर्मनी के कुछ अधिकारी पिछले कुछ वक्त से रूस की गैस का विकल्प जल्द ढूंढने का दावा कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम कतर का। माना जा रहा है कि कतर से नेचुरल गैस खरीदने के लिए जर्मनी लगातार बात कर रहा है, लेकिन ये बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर डील हो भी गई तो कतर से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का रूट बनाने में ही सालों लग जाएंगे। मतलब साफ है कि तब तक रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बेरोक होती रहेगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जर्मनी केवल वक्त टाल रहा है या वो वाकई मजबूर है। ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि 55% नेचुरल गैस की भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं है, जो जर्मनी की दुखती रग है, लेकिन यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करना शक पैदा करने वाला है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी के चांसलर मझधार में फंसे हैं। न तो वो रूस के साथ दिखने का रिस्क ले सकते हैं और न ही वो रूस पर एक्शन का जोखिम उठा सकते हैं। इस बीच मारियुपोल में फंसे लोगों को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बिना शर्त बातचीत करने की पेशकश की। बताया गया कि मारियुपोल के अज़ोस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक और आम लोग पिछले 3 दिनों से छिपे हुए हैं और रूस की सेना अपने खूंखार चेचन लड़ाकों के साथ स्टील प्लांट पर धावा बोल चुकी है। वहां छिपे सैनिकों और आम लोगों पर कहर बरपा रही है। इसलिए मारियुपोल में होने वाली बड़ी तबाही को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत की पेशकश की है। उन्होंने साफ किया कि यूक्रेन बिना किसी शर्त के मारियुपोल पर बातचीत के लिए तैयार है। खबर है कि यूक्रेन अपने सैनिकों और नागरिकों को बचाने के लिए रूस के बंदी बनाए गए सैनिकों को रिहा कर सकता है। हालांकि अभी ज़ेलेंस्की की पेशकश पर रूस का कोई जवाब नहीं आया है। यूक्रेन में पुतिन के करीबी और यूक्रेन के अरबपति विक्टर मेदवेचुक की संपत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें युद्ध में रूस का समर्थन करने के आरोप में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था।
और अब यूक्रेन सरकार ने उनकी करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। इस काम के लिए कई पुलिस वाले कीव में उनके मकान के अंदर दाखिल होते दिखे, जिसके बाद वो वहां रखी पेटियों को खंगालते नजर आए। इस तलाशी अभियान के दौरान कई चौंकाने वाली चीजें भी उनके हाथ लगी, जिनमें कीमती घड़ियां, ऐतिहासिक कलाकृतियां और महंगे कपड़े भी शामिल थे। इसके बाद कुछ पुलिस वाले इस मकान के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ते दिखे। वहां उन्हें पुरानी रेलगाड़ी का लग्जरी डिब्बा नजर आया और जैसे ही वो इसके अंदर दाखिल हुए उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ट्रेन का ये डिब्बा किसी आलीशान महल से कम नहीं था। इसमें महंगा फर्नीचर लगा हुआ दिखा। इसके अलावा इसे खूबसूरत लाइटों से सजाया गया था। असल में यूक्रेन के कारोबारी विक्टर मेदवेचुक को वहां के सबसे धनी लोगों में एक माना जाता है। साथ ही उन्हें उन लोगों में गिना जाता है जिन्हें पुतिन अपना खास दोस्त मानते हैं, मगर अब उन्हें पुतिन की ये दोस्ती भारी पड़ती दिख रही है। यूक्रेन ने रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक शहर के बीच टैंक पर बम गिरता दिखाई दिया। जैसे ही आसमान से टारगेट कर निशाना लगाया गया, टैंक के परखचे उड़ गए और वो देखते ही देखते आग की लपटों के बीच घिर गया। यूक्रेन ने दावा किया कि ये रूस का टैंक था जिसे उसने अपने ड्रोन हमले में तबाह कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने मैदान में खड़े एक दूसरे टैंक को भी अपने निशाने पर लिया और फिर उस पर बम बरसाए। बताया गया कि रूस का ये टैंक छिपकर हमला करने की फिराक में था, लेकिन तभी उसे ध्वस्त कर दिया गया। बम गिरते ही जोरदार धमाके के साथ तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। ड्रोन की मदद से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि किस तरह से चुन चुन कर टैंकों को तबाह किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने जंगल, मैदान और सड़क पर कई रूसी टैंकों को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज जहांगीरपुरी का दौरा करेगा और अतिक्रमण की कार्रवाई से पीड़ित लोगों से मुलाकात करेगा। कांग्रेस की तरफ से महासचिव अजय माकन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे, जबकि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को आदेश दिया है कि वो जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मुलाकात करें। रूस और यूक्रेन की जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल होने की अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन पहली बार कुछ ऐसे कारण सामने आए हैं जिनकी वजह से अब इस जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है परमाणु बम गिराने का नतीजा। यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में बदल चुके हैं, लेकिन रूस इसे जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसीलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तब होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो। जबकि उसी वक्त खबरें ये भी आती रहीं कि परमाणु बम बरसाने वाले विमानों को यूक्रेन की तरफ भेज दिया गया है। खबरें ये भी आई कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा यह है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म होती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम यह कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बल्कि इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। करीब 2 महीने से चल रही जंग के खत्म न होने पर रूस के पास देने को अब तक तो सफाई है, लेकिन अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे वो अलग। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की। रूस ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए जेलेंस्की सरकार के सामने समझौते की कई शर्तें रख दी। हालांकि ये शर्तें क्या हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इससे जुड़ा एक ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया। इसके जरिए पुतिन ने गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होंगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को जेलेंस्की के जवाब का इंतजार है। प्रेसिडेंट говорил об этом, выступая на
इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की सरकार अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रहती। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार कुछ आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और दिल्ली पुलिस इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची हुई है। रूस अपने देश में मौजूद सैनिकों की भी तगड़ी ट्रेनिंग कराने में लगा है। इसके लिए रूस की सेना के हथियार बनाने वाले एक इंस्टीट्यूट ने ऐसा स्मार्ट टारगेट ईजाद किया है जिससे रूस के सैनिकों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग में काफी फायदा मिलेगा। जिसकी जारी की गई तस्वीरों में एक स्नाइपर एक के बाद एक धड़ाधड़ गोलियां चलाकर सामने टारगेट को छलनी करता दिखा। बताया गया कि स्मार्ट टारगेट इंडिकेटर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिनसे छोटी बंदूकें और स्नाइपर सिस्टम के सटीक होने का टेस्ट हो पाता है। अमेरिका और यूके रूस की ताकत की पड़ताल करने में जुट गए। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट सुखोई-35 को खार्किव में ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब यही लड़ाकू विमान पुतिन के लिए जी का जंजाल बन गया, क्योंकि दावा किया गया कि इसके सीक्रेट अमेरिका और यूके को पता चल गए। यानी ये लड़ाकू विमान कैसे बना है और उसमें क्या खूबियां हैं, ये सब बात रूस के दुश्मनों तक पहुंच गई। असल में 3 अप्रैल को जैसे ही यूक्रेन ने खार्किव के आसमान में सुखोई-35 को ढेर किया तो तुरंत ही यूक्रेन के वैज्ञानिकों ने इसका मलबा जुटाना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो इस रूसी लड़ाकू विमान के सीक्रेट जानने में जुट गए। फिर उन्हें इसकी जांच में कई अहम जानकारियां मिलती रहीं। बाद में यूके और अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस मलबे की जांच में शामिल हो गए। इससे पड़ताल का दायरा और बड़ा हो गया और सुखोई-35 का राज खुलता चला गया। इस बीच जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों की कस्टडी को कोर्ट ने बढ़ा दिया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी अंसार, सलीम और अहीर के साथ ही मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी दिलशाद और गिल्ली को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने मामले में और जानकारी और आरोपियों से पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग की थी। सभी आरोपी अब शनिवार तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहेंगे। दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। बताया गया कि विंबलडन ने यह कदम यूक्रेन युद्ध की वजह से उठाया। और 27 जून से शुरू होने वाली इस चैंपियनशिप से रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि आयोजकों को इस बात का अंदेशा था कि इस बार के टूर्नामेंट को रूस या बेलारूस का कोई खिलाड़ी जीत जाएगा और उसके नाम इस बार विंबलडन की ट्रॉफी हो जाएगी, जिसे ब्रिटेन के शाही परिवार का कोई सदस्य देगा। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटेन शुरू से यूक्रेन के साथ खड़ा है। विंबलडन के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दुनिया के दूसरे नंबर के रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव पर पड़ेगा, क्योंकि वो इस बार खेल नहीं पाएंगे। केवल दानिल मेदवेदेव ही नहीं, रूस के एक और जबरदस्त टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रुबलियोव भी इस बार के टूर्नामेंट में नहीं दिखेंगे। दोनों देशों के खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध से टॉप 20 में रहने वाली 3 महिला खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गईं, जिनमें दुनिया की 4th नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी अरीना सबियांका भी शामिल है। इस फैसले का पुतिन सरकार ने कड़ा विरोध किया और ये साफ कर दिया कि ये निर्णय उसे गवारा नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को विदेश जाने से रोक दिया। बताया गया कि पुतिन की बड़ी बेटी मारिया वर्नसोवा का अपने जन्मदिन के मौके पर विदेश जाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही उनके पिता पुतिन ने उन्हें विदेश जाने से रोक दिया। बताया गया कि मारिया वर्नसोवा अपना 37वां जन्मदिन मनाने के लिए रूस से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ये बात पुतिन को पता चली, खबर है कि उन्होंने मारिया को इस डर से बाहर जाने से रोक दिया कि वो इसके बाद रूस नहीं लौटेंगी। मारिया का अगले हफ्ते 28 अप्रैल को जन्मदिन है, जिसे वो अपनी अजीज के साथ मनाना चाहती थी। बताया जा रहा है कि पुतिन की बड़ी बेटी का फिर रूस लौटने का प्लान नहीं था, हालांकि ऐसा क्यों इसका पता नहीं चल पाया। जंग की शुरुआत के बाद से ही कई पश्चिमी देश अपने यहाँ मारिया की एंट्री पर बैन लगा चुके हैं। इस बीच रूस ने दावा किया कि अब तक हुई जंग में उसकी सेना ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। बीते 54 दिनों से जारी युद्ध में रूस ने बमों, मिसाइलों और तोपों से यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया और इस तबाही की निशानियां हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। मारियुपोल, खार्किव, खेरसों, लुहांस या फिर कीव के बाहरी इलाके, हर तरफ इतनी बमबारी हुई कि बड़ी बड़ी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बूचा में तो रूसी सेना पर कत्लेआम करने का भी आरोप लगा। हालांकि रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने बमबारी कर सबसे ज्यादा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन की सेना भी अपने कुछ शहरों को रूसी आक्रमण से बचाने के लिए मोर्चे पर डटी रही और छिपकर हमले कर रूसी फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया।
कांग्रेस नेता और गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। मेवाणी की गिरफ्तारी बुधवार की रात करीब 11:30 बजे पालनपुर सर्किट हाउस से की गई। मेवाणी की टीम ने बताया कि उन्हें असम पुलिस ने जानकारी दी कि मेवाणी के खिलाफ असम में कुछ मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला